द खालस टीवी के हेडलाइनस बुलेटिन में मैं दरप्रीत सिंह तुहाडे सब का स्वागत करदा। चंडीगढ़ च किसानां दीआं अज होणगीआं दो अहम मीटिंगां। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल मीटिंग तो पहला किसान जथेबंदियां अज सवेरे 11 बजे करनगियां आपस में मीटिंग। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोल उठाए जाने वाले मसलों पर की जाएगी विचार चर्चा। बाद दुपहर 1:30 बजे किसान पंजाब भवन चंडीगढ़ च कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल करनगे मीटिंग। उधर किसान जथेबंदी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने मीटिंग च शामिल होने तो किया इनकार। कहा 23 नवंबर नूं होने वाली मीटिंग च ही होवांगे शामिल। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते गृह मंत्री अमित शाह तो मुलाकात लई मंगिया समा। केंद्र सरकार नूं खेती कानूनां दा मुद्दा नरमी नाल हल करन दी कीती अपील। भारतीय रेलवे ने पंजाब विच बंद पईआं रेल गड्डियां कारण 19 नवंबर तक पुजे नुकसान दे अंकड़े कीते जारी। करीब 891 करोड़ दा होया रेवन्यू दा घाटा। उत्तरी रेलवे नूं करीब 14.85 करोड़ रुपए दा रोजाना पै रिहा है घाटा। पंजाब च छाया यूरिया दा संकट है। किसानां ने हरियाणा वल कीता रुख। हरियाणा पंजाब बॉर्डर ते स्थित शहरां च अपने रिश्तेदारां ते जानकारां दे नां हेठ किसान खरीद रहे ने यूरिया। खेतीबाड़ी विभाग होया अलर्ट। दुकानां ते नज़र रखण लई कर्मचारियां दीआं लाईआं ड्यूटियां। बठिंडा च NFL दे बाहर किसानां ने खाद लैण लई कीता प्रदर्शन। उधर संगरूर च भी किसानां ने कीता रोस प्रदर्शन। गोदाम वालिआं खिलाफ वितकरे करन दा लाया इल्जाम। लुधियाणा विच यूथ अकाली दल ने लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस खिलाफ किया प्रदर्शन। बैंस के घर का घिराओ करने की भी की है कोशिश। पुलिस और वर्करां दे विचकार हुई धक्का मुक्की। बैंस उत्ते बलात्कार का लाया कथित इल्जाम। कहा गंद के ढेर नूं करांगे साफ। अटैची विच पा के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप नूं हवाई जहाज़ राही अमृतसर तो पूना ले जाण वाले दोषियों नूं 2 दिनां पुलिस रिमांड ते भेजा। श्री अकाल तख्त साहिब वालों पावन स्वरूप भेजण वाले बाबा कुलवंत सिंह नूं पत्र भेज के 5 दिनां विच स्पष्टीकरण भेजण दे दित्ते गए आदेश। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले में मुलजम डेरा सरसा प्रेमी जतेंद्र वीर सिंह के पिता मनोहर लाल का 2 अणपछाते व्यक्तियों ने गोलियां मार के किया कतल। भगता भाईका विच दिता घटना अंजाम। मुलजम जतेंद्र वीर सिंह जमानत से जेल तो बाहर है। पंजाब सरकार कोरोना वायरस को लेकर रैपिड टैसटिंग की कर रही है तैयारी। बाहरों आने वाले की होगी टैसटिंग। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का बयान। कहा हाले कोरोना वायरस की दूजी लहर नहीं आई पर दोबारा लॉकडाउन की भी कोई स्थिति नहीं है। 3 नवंबर तक केस बढ़ने की है संभावना। केंद्र सरकार ने श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की जेड सिक्योरिटी लई वापस। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने इनू गैर पेशेवर रवैया राजनीतिक तौर पर प्रेरित महसूस होने वाली कार्रवाई दस्या। कई होर लीडर की खुश सकती है सिक्योरिटी। जल्दी ही ADGP सिक्योरिटी की अगवाई हेठ बनेगी कमेटी। यह कमेटी किसी नूं भी दिती जाण वाली सिक्योरिटी लई मौजूदा नियमां दा करेगी मुलांकन। 1 दिसंबर नूं होवेगी पंजाब कैबिनेट की बैठक। दोपहर 2:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं कीती जाएगी मीटिंग। देश विच पेट्रोल की कीमत 17 पैसे ते डीजल की कीमत 22 पैसे तक का होया वाधा। नवे रेटां तहत हुण दिल्ली विच पेट्रोल की कीमत 81.23 रुपए ते डीजल की कीमत 70.68 रुपए प्रति लीटर हो गई है। हरियाणा सरकार ने वध रहे कोरोना वायरस के मामलों तहत 3 नवंबर तक स्कूल बंद करन दा लिया फैसला। फौज विच भर्ती होने वाले पंजाबियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नवे नियमों च दिती गई है कुछ राहत। हुण उम्मीदवारों की लंबाई मुताबक ही तय किया जाएगा भार। CBI जांच करने लई हुण सूबा सरकारां की सहमति लैनी होवेगी लाजमी। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए आदेश। श्री गुरु नानक साहब जी के 551वें प्रकाश पुरब मौके पाकिस्तान जाएगा भारत का पहला जत्था। विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने दी जानकारी पर पाकिस्तान वालों हाले तक इस बारे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। 27 नवंबर तो 1 दिसंबर 2020 तक गुरद्वारा श्री ननकाणा साहब विखे करवाए जा रहे हैं समागम। श्रोमणी कमेटी पतपुणा से धर्म परिवर्तन रोकण च रही है नाकाम। दलित एंड मनोरिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान डॉक्टर कश्मीर सिंह ने कहा इस वेले सूबे विच सिख भाईचारे दे वड्डी गिणती लोगों ने अपना धर्म तब्दील किया है ते पंजाब च पतपुणा भी सिखर ते है। श्रोमणी कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने इन्हां चुनौतियों नाल निजिठण लई जल्दी ही एक सलाहकार कमेटी बनाउण दा कीता ऐलान। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने किया दावा कि श्रोमणी कमेटी नूं पतपुणे ते नशे आदि दे रुझान रोकण लई 5 साला मिशन योजना शुरू करन दा दित्ता सी सुझाव।
कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने आर्थिक विदेशी ते राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों ते विचार करने लई बनाईयां तीन कमेटियां। साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह करनगे तीनों कमेटियां की अगवाई। यूपी विच तेज़ रफ्तार बलैरो सड़क किनारे खड़े ट्रक नाल टकराई, 6 बच्चों समेत 14 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के देसराज इनारा नेड़े वापरिया हादसा। माहौल बिगाड़न लई बीजेपी ने घड़िया लव जिहाद का शब्द। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कथित लव जिहाद के मुद्दे ते बीजेपी ते साध्या निशाना। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में लगवाया कोरोना का ट्रायल टीका। भारत में विकसित किया गया कोरोना की कोवैक्सीन का टीका। ओला कैब लोगों सेडान तो लैके इलैक्ट्रिक स्कूटर तक की उपलब्ध करवा रही है ऑप्शन। अगले साल जनवरी में ओला कैब्स बाजार लॉन्च कर सकती है अपना पहला ई स्कूटर। पछमी देशों ने चीन उत्ते हांगकांग च अपने आलोचकों नूं चुप करवाउण दी कोशिश करन दे लाए दोष। चीन ने इल्जामां ते दित्ती तिखी प्रक्रिया, कहा चीन दे अंदरूनी मामलों च दखल देण वालियां दियां कढ देंगे अखां। सत्ता तब्दीली च देरी कारण कोरोना वैक्सीन दा लटकेगा मामला। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने दित्ती चेतावनी, कहा ट्रंप प्रशासन तो नहीं मिल रहा कोई भी सहयोग। अमरीकी राष्ट्रपति चोणों विच डोनाल्ड ट्रंप नूं लगा एक होर झटका, जॉर्जिया ने जो बाइडन की जित की कीती पुष्टि। ट्रंप ने दो काउंटियां विच मुड़ गिनती करवाउण दी कीती मंग। मिलवाकी ते डेन च दुबारा गिनती करवाउण लई जमा करवाई $30 लाख की रकम। कल शुरू हुई है गिनती, 1 दिसंबर तक चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकियों नूं पहलां नालों किते ज़्यादा वध वंड दिता है। अमरीका दे रिपब्लिक पार्टी दे प्रमुख सिख लीडर गुरविंदर सिंह खालसा ने दिता बयान, कहा मैनूं नहीं लगता कि ट्रंप नैतिक तौर पर राष्ट्रपति बनन दे योग हन। दक्षणी आस्ट्रेलिया विच मुड़ पसरिया सन्नाटा, COVID-19 कारण लाया गया 6 दिन का लॉकडाउन। राजधानी एडिलेड दीआं सड़कां, बाजारां, पार्कां, बीचां ते स्विमिंग पूलां उपर छाई सुनसान। हेडलाइनस देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।